दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे और एक बहुत ही रोमांचक T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की टीम को 87 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले को 82 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन इस दौरान बीच मैदान ही मार्को जेनसन और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी देखने मिला, जहां हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने मार्को जेनसन के जमकर मजे भी लिए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के 14वें ओवर के दौरान आवेश खान की एक बाउंस बॉल मार्को जेनसन की गर्दन पर जा लगी, जिसके बाद जेनसन दर्द की वजह से मैदान पर ही बैठ गए और टीम के फिजियो को मैदान में आना पड़ा। इस दौरान जब फिजियो मार्को जेनसन से बात कर रहे थे, तब साथ खड़े हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल लगातार काफी देर तक मार्को जेनसन से बातें करके उनके मजे लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर अच्छी बात ये रही कि जेनसन की ये चोट ज्यादा सीरियस नहीं थी।